उसकी माँ का नाम वसुंधरा? नहीं नहीं, अच्छा सा नाम था, अपर्णा, अपर्णा जायसवाल। मुझे याद है, इंद्रजीत जायसवाल जी ने अच्छा होने की खुशी में और अपर्णा मैडम का ख्याल रखने के लिए मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया था। अदिति भाभी, काफी देर हो गई। अच्छा बताओ, ब्लाउजेस कैसे सिले? दिखाओ। वो ब्लाउजेस बनाए ही नहीं उसने। ये टेलर भी ना पता नहीं कितना टाइम लगाता है। अब भी कह रहा था कि 2 दिन और लगेंगे। अच्छा चलो छोड़ो वो सब, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने खाना तैयार कर दिया है। और फिर कबीर भाई साहब और मामा जी भी आने वाले होंगे ना? लेकिन तुम्हारी जजमेंट को आजकल क्या हो गया है कबीर? हाँ, मेरे मुताबिक सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है ये। और प्रॉपर्टी के बारे में अगर पता नहीं था तो मुझसे पूछ लेते। उस प्रॉपर्टी डीलर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। एक्चुअल में उसने दुगने दाम कोट किए और तुमने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। भानु मामा, अगर वो उस घर की 10 गुना ज्यादा कीमत भी मांगता तो भी मैं देने को तैयार था। ऐसे देखा जाए तो हम अब भी फायदे में और वो अब भी नुकसान में। ऐसा क्या है उस घर में कि एक्चुअल में तू उसके लिए इतना पागल हुए जा रहा है? क्योंकि वो घर मैं ईजा के लिए ले रहा हूं। ईजी के लिए? क्यों? एक दिन मैं और ईजा किसी काम के लिए जा रहे थे तो उनकी नजर उस बंगले पर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि काश ये बंगला उनका होता तो उस बंगले से सामने की झील का नजारा देख सकती। अब ईजा को कोई चीज चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। तुम जानते कबीर कि जिनकी एक एक बात को तुम पलकों पे उठाए फिरते हो, जिनके लिए तुम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हो, वो तुम्हें एक पल के लिए भी जिंदा नहीं देखना चाहती। खाना तैयार है, आप सब लोग फटाफट आ जाइए। लेकिन कबीर। भानु मामा, ईजा, प्लान करना था तुम्हारा, तुम आज अभी इस घर से निकल जाओ। अगर आपका दिल मेरी चिंताएं समझ सकता है तो ही आप ऐसा कीजिए। मैं आपकी कसम खाता हूं ईजा, इन 7 दिनों में मैं अदिति से किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। एक बहुत ही अच्छी खबर है, आपके ग्रहों की बुरी दशा टल गई है, तो आपको और परी को एक दूसरे से दूर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानती हैं मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? इसके बाद आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। ऐसे हालात मत पैदा करना कि मुझे तुम में और ईजा में किसी भी एक को चुनना पड़े, क्योंकि ईजा से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। कबीर, ईजा की सच्चाई बताऊं भी तो बताऊं कैसे? डरती हूं तुम टूट जाओगे कबीर, लेकिन अगर सच्चाई छुपाई तो ईजा आज नहीं तो कल अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। अदिति भाभी, thank you।
तुम बचपन में भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। अदिति, पियाजिया ने तुम्हें भी सुलझन में डाल दी। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी 4 साल तक की कोई फोटो नहीं। देखो तो सही, शक्ल तो एकदम मिलती है। कबीर, ये तुम ही हो। अदिति, तुम भी ना यार, ये ईजो और पापा की शादी की फोटो है। मतलब मैं उनकी शादी के 2 साल पहले ही पैदा हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? ऐसा ही हुआ है कबीर। सच कह रही हूँ अदिति। कबीर, ईजा, ईजा तुम्हारी असली माँ नहीं है। इनाफ अदिति, ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्या बोलने लगी हो तुम? सोचती भी हो, समझती भी हो कि क्या कह रही हो और क्यों कह रही हो? बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी मैं। कबीर, कबीर, मैं जानती हूं कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें उन्हें बहुत मानते हो। इसीलिए जब मुझे इस बारे में पहली बार पता चला तो मैंने तुमसे इसका जिक्र तक नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं इस बात को पक्का कर लेना चाहती थी, और अगर मुझे पूरा भरोसा नहीं होता तो मैं आकर तुमसे ये कभी नहीं कहती। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हें जहां से ये पता लगा वही सच है? गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। जैसे पहले हुई थी, ईजा ने मेरे लिए खीर बनाई लेकिन तुमने कहा उसमें जहर, जहर निकला। सबूत तो तब भी था तुम्हारे पास, जहर की बोतल। क्या हुआ? ईजा ही मेरी मां है अदिति। तुमने देखा नहीं वो मेरा कैसे ख्याल रखती है? चोट मुझे लगती है लेकिन दर्द उन्हें पहुंचता है, और अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूं कबीर, और मेरे पास सबूत भी है। कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी, पर अगर उनसे मिलने के बाद भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत हूं। चलोगे ना मेरे साथ? चलोगे ना? ठीक है, ये मौका मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे मन का वहम और तुम्हारी गलत फहमियों को दूर कर सकूं। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, इस बारे में किसी से बात मत करना। मौसी जी, कैसे हो? ठीक हूँ। ये
मौसी जी और तुम्हारे लिए। देखिए मैं किसे लाई हूं, ये है कबीर, कबीर जायसवाल। कबीर कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें सेहतमंद देखकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जन्म के समय डॉक्टर खन्ना अगर भगवान के अवतार बनकर ना आते तो न तुम बचते और न तुम्हारी माँ अपना। हो सकता है कि मेरे जन्म के वक्त आप वहां पे मौजूद थे, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं आपकी हर बात पे विश्वास करूं। और आप ये कैसा कह सकती हैं कि मेरी माँ का नाम अपना जायसवाल है? कोई सबूत है आपके पास? 20 साल पुरानी बात आपको आज तक कैसे याद रह सकती? इतने सालों में न जाने आपने कितने पेशेंट्स को अटेंड किया होगा, कितने डिलीवरीज अटेंड की होंगी, क्या आपको सबका नाम याद है? यादें इंसान कहाँ चुनता है बेटा, यादें तो हमें चुनती है। जैसे कि मुझे याद है तुम्हारी पीठ पर एक त्रिशूल जैसे दिखने वाला बर्थमार्क था। हम रोज हॉस्पिटल में उस बर्थमार्क को देखकर ताजुब करते थे। उसके बाद इतने सालों की मेरी नौकरी में मैंने ऐसा बर्थमार्क नहीं देखा। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो भी मुझे याद रह गई। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ अपने और तुम्हारे चेकअप के लिए जब जब आती थी तो मुझसे ज़रूर मिलती थी। और तुम्हारे पिता इंद्रजीत जायसवाल जी भी हमेशा तुम दोनों के साथ हॉस्पिटल में आते थे। माफ़ करना बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ, कई बातें भूल जाती हूँ। जैसे कल इसके जाने के बाद मुझे याद आया तुम्हारी माँ का नाम, एक और वजह से याद रहा, मेरी बहन का नाम भी अपना ही था। जब मैंने तुम्हारी माँ से ये कहा वो बोली चलो अब अपना नाम की एक दोस्त भी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। बेटा मेरे लिए जिंदगी में अब मौत के अलावा कोई इंतजार नहीं बचा, और ऐसी हालत में मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर ये सच होता तो मुझसे किसी ने छुपाया नहीं होता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ का नाम पन्ना नहीं, वसुंधरा, वसुंधरा जायसवाल। ये सब झूठ है।